लाहौर के इलाके कैंट असली टेंट से ताल्लुक रखने वाले लेफ्टिनेंट यासर को 8 माह कबल ईद पर अहले खाना से मुलाकात करते हुए क्या मालूम था कि दोबारा उनसे मुलाकात नहीं होगी। यासर अब्बास ने 2005 में पाक बहरिया में कमीशन लिया और 2009 में लेफ्टिनेंट के ओहदे पर फाइज हुए। कर्नल रिटायर्ड जाफर अब्बास का 24 साल बेटा यासर 3 बहनों का अकलौता भाई था और अहले खाना उसके सर पर सिरा सजाने की तैयारी कर रहे थे। यासर अपनी शहादत से चंद लम्हे कबल तक अपनी वालदा से राब्ते में थे। टेलीफोन पर माँ बाप से 2-3 दफ़ा बल्कि दिन में रब्ता होता था। जिस दिन उसकी शहादत होती है उस दिन माँ से बात कर रहा था, उसने कहा कि अम्मी, मामा कहता था मामा धमाका हुआ है, मैं ज़रा चेक कर लूँ। यासर अब्बास शहीद को बचपन से ही फौज में जाने का शौक था और वह इंतहाई ज़हीन थे। यासर के वालिद ने उन्हें कई ममालिक में भेजा लेकिन वो भी अपनी धुन के पक्के थे, वापस आकर पाक बहरिया को ही ज्वाइन कर लिया। मेरे फादर, ग्रैंड फादर, उसके अपने फादर, ग्रैंड फादर सब आर्मी से बेसिकली ताल्लुक़ रखते हैं और हमारा ये शुरू से रहा है कि हमने अपने मुल्क और कौम के लिए कभी भी किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से ग्रेज नहीं करना। यासर की शहादत की इतला पर पाक बहरिया के लाहौर में स्टेशन कमांडर अकबर नकी भी उनकी रहायशगा पर पहुँचे और शहीद को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। मैं समझता हूँ कि लेफ्टिनेंट यासर जो थे नो डाउट एक बड़े बहादुर किस्म के अफसर थे और अगामियान को उनका अजर देगा और शहादत नसीब बहुत कम को होती है एंड इज वन ऑफ दी आई थिंक लकीस्ट मैन। यासर अब्बास को उनके खानदान की ख्वाहिश पर लाहौर के अस्करी टेन कब्रिस्तान में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। लेफ्टिनेंट यासर अब्बास की ख्वाहिश थी कि वो वतन पर कुर्बान हो, जो बिलाखिर पूरी हो गई और उसकी फैमिली को भी अपने बेटे की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लड़ते हुए शहादत पर फख्र है। कैमरामैन आशिक अली के साथ लियाकत अंसारी, दुनिया न्यूज़ लाहौर।